वेलकम टू माय स्टूडेंट। आज हम फास्टनर का पहला टॉपिक बोल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। बोल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं ये समझेंगे, और बोल्ट किस प्रकार का फास्टनर है इसके बारे में जानेंगे। ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े उद्योग में क्या होता है कि बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं, तो उसमें जो मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल में ले लीजिए, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, तो उसमें इंजन होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो कि एक फास्टनर के द्वारा जोड़ा जाता है। तो बोल्ट भी क्या है, एक फास्टनर है और एक टेम्पोरी फास्टनर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थाई, मतलब कि अस्थाई रूप से हम जब चाहेंगे जब उस पार्ट को अलग कर सकते हैं, जब हम चाहेंगे उस पार्ट को जोड़ सकते हैं, मतलब कि अस्थाई रूप से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट का उपयोग करते हैं। तो बोल्ट एक कैसा फास्टनर है, टेम्पोरी फास्टनर है, अस्थाई फास्टनर। अब हम समझेंगे कि बोल्ट का क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ बोल्ट मतलब कि बोल्ट का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है उसको बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्वालिफिकेशन ऑफ बोल्ट में है, सबसे पहले हम लोग लेंथ के अनुसार उस बोल्ट को बनाते हैं, उसके बाद में दूसरा है उसका डायमीटर यानी व्यास के अनुसार हम लोग बनाते हैं, और हम लोग का अनुमान लगाता है कि कितना साइज का व्यास का हम लोग का बोल्ट का सकता है, 20 mm साइज का सकता है, 30 mm साइज का सकता है, 50 mm साइज का सकता है, और लेंथ हम लोग ये जानेंगे जब दो पार्ट को जोड़ते हैं तो दोनों पार्ट की एक मोटाई होती है, तो उस मोटाई के अनुसार हम लोग बोल्ट का लेंथ का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, चुनते हैं कि हम लोग कितना मोटाई का बेल्ट, कितना मोटाई का दो पार्ट को जोड़ना है, उस हिसाब से हम लोग बोल्ट की लंबाई के क्या करते हैं, चुनते हैं। उसके बाद में मटेरियल, मटेरियल में जाना है कि वो किस धातु का बना होता है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस मटेरियल का बना होता है, तो माइलोटेल का बना होता है। और चौथा के अनुसार हेड का हम लोग चुनाव करते हैं, बोल्ट में भी अलग अलग हेड का आकार आता है, जैसे मान लो कोई हेक्सागोनल आकार के उसका हेड बना हुआ रहता है, कि कोई बोल्ट का स्क्वायर हेड आकार का बना होता है, इस प्रकार के अलग अलग हेड की आकृति बोल्ट की होती है। तो हम लोग समझेंगे कि जिस किस तरह का काम में लाना है उस तरह का बोल्ट के हेड का अनुसार हम लोग बोल्ट का उपयोग करते हैं। अब हमें जानेंगे पार्ट ऑफ बोल्ट के बारे में कि पार्ट ऑफ बोल्ट में क्या क्या होता है, पार्ट क्या 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 होता है, ये आप देख रहे हैं। ये जो है हेड की मोटाई है, ये जो है डायमीटर है जिसको हम व्यास बोलते हैं, इसको हम 20 से कटकर 20 से सूचित किया है, और हेड की जो मोटाई होती है डायमीटर 0.8 गुना होती है डायमीटर का 0.8 गुना हेड की मोटाई होती है, और जो ये देख रहे हैं ये चैंपरिंग को किया हुआ रहता है 30 डिग्री में किया हुआ रहता है, और बोल्ट का साइज हम लेते हैं हेड के स्वर का जितना लंबाई बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट का साइज लेते हैं या बोल्ट के लेंथ हम कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखें और हम जानेंगे बोल्ट का परिभाषा कि बोल्ट क्या है। बोल्ट एक सिलेंडर रॉड है जिसके एक तरफ थ्रेड कटा हुआ रहता है और दूसरे तरफ हेड बना हुआ रहता है, और बीच में प्लेन भाग जो बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो आपका है बोल्ट का हेड है, ये क्या है, ये हेड है, ये आपका क्या है, सैंक है, ये जो आपका
कोई